नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच ईडी ने शुरू कर दी है और इस मामले की जांच बिहार की ईओयू भी कर रही है। हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़े इस केस में ईओयू को अवैध धन के इस्तेमाल के सबूत भी मिल चुके हैं। ईओयू को ये भी सबूत मिले हैं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल में बैठे लोगों के माध्यम से सत्तारूढ़ गठबंधन के कई विधायकों के खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी। कुछ विधायकों की ओर से एडवांस रुपए भी लिए गए थे और उसके भी सबूत जांच के दौरान ईओयू के मिले हैं और इसकी पुष्टि ईओयू के डीआईजी ने न्यूज 18 पर की है। डीआईजी की अगर माने तो हॉर्स ट्रेडिंग के इस केस में अब तक की जांच के दौरान ईओयू को यह भी पता चला है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार विश्वास मत में हार जाती तो विधायकों को दूसरे राज्यों में हवाले के जरिए पूरे पैसे दिए जाते हैं और इसके साथ ही ईओयू को सरकार को अव्यवस्थित करने, विधायक के अपहरण और वोटिंग के लिए प्रलोभन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको पटना के सियासी गलियारे से जुड़ी हुई बता रहे हैं। कई विधायकों को खरीदने की कोशिश की जानकारी मिली है। ईओयू की तरफ से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। हम लोगों की सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला, उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था, उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी और इसमें ईडी को जो रिपोर्ट किया है, उस ईडी अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी उसका साक्ष्य जुटा रही है और हमारी तरफ से जो क्रिमिनल मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स हुई हैं और अभी ये कांड अनुसंधान अंतर्गत है। हमारी सरकार में किसी को छोड़ा नहीं गया है, जो इस तरह के काम करते हैं उसको दंड जरूर मिलेगा और ये सही पाया जाएगा, जो लोग इन्वॉल्व है उसको सजा मिलेगी। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और क्या क्या खुलासे हुए हैं, आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए सुबह ये जो मामला है वो बिहार में जब सरकार बदली थी तो उसमें जो है हॉर्स ट्रेडिंग किया गया था, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश जो है वो की गई थी और ये आरोप जो है वो मधुबनी जिले से जेडीयू के जो विधायक हैं, हरलाखी के विधायक हैं सुधांशु शेखर, उन्होंने ये आरोप लगाया था। कोतवाली थाने में बाजाप्ता एफआईआर दर्ज कराई थी और इस एफआईआर में अपने ही पार्टी के जो विधायक है, जेडीयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उनके खिलाफ और उनके साथ अन्य लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर लॉन्च कराया था, जिसे बाद में ईओयू ने अपने अधीन जांच के अधीन लिया और फिर ईओयू की तरफ से जांच की गई। जांच के दौरान ये इन बातों का तथ्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो करने की कोशिश की गई थी, विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी और उसी के आधार पे अब इस मामले की जांच जो है वो ईडी भी शुरू करती है। ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय, उनके तरफ से भी पता किया जा रहा है कि कैसे जो है काले धन का इस्तेमाल किया जा रहा था या विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही धन संशोधन जो अधिनियम है उसके तहत इस मामले की जांच ईडी कर रही है। सबसे अहम बात है कि अब तक ये बातें जो है पॉलिटिकली तौर पे कही जा रही थी कि विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी विपक्ष के द्वारा और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी, वोटिंग के दौरान सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब ईओयू की जांच में ये बातें सामने आई है। अमित, इस बात की भी चर्चा की जा रही है ईओयू की तरफ से कि उन्हें इस बात की भी आशंका है, इसकी भी एक सबूत मिले हैं कि कुछ पैसों का लेन देन पहले से ही एडवांस में किया गया था, वो कितने पैसे थे, क्या इसकी भी कोई जानकारी ईओयू की तरफ से दी गई है? लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि पैसे का लेन देन पहले से किया गया था और खुद जो विधायक हैं जेडीयू के, जिनके बारे में हम बता रहे थे, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराया सुधांशु शेखर ने, उन्होंने भी कहा कि प्रलोभन उन्हें भी दिया गया था, कुछ विधायक जो है वो एडवांस पैसे लिए थे और जो डीआईजी हैं उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि जांच के अधीन है मामला, इसलिए बहुत कुछ खुलासा करना बेहतर नहीं होगा क्योंकि जांच प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन हाँ लोगों से पूछताछ की गई है, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बात। अमित, कहा यह भी जा रहा था कि अगर सरकार गिर जाती है, सरकार नहीं बनती है तो दूसरे राज्यों से पैसे लेकर यहाँ जिन विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की जानी थी उनको देना था, तो ये कौन कौन से राज्य थे जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे, क्या इसकी भी कोई जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए इस बाबत ही मामला दर्ज कराया गया था और FIR में भी इन बातों का उल्लेख है कि उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, उसके अलावा नेपाल है, दूसरे जो राज्य हैं वहां से ये पैसे जो है वो दिए जा रहे थे और इन पैसों को देने की कवायद जो है वो लगातार की जा रही थी। और इसमें जो JDU के जो MLA हैं डॉक्टर संजीव कुमार और अन्य जिनके खिलाफ सुधांशु शेखर ने मामला दर्ज कराया है, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये लोग लीड कर रहे थे पूरे तौर पे, विपक्ष के इशारे पे जो है अपने ही विधायकों को तोड़ने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी। अब चूंकि ये मामला जांच है और जांच में बातें, अमित क्या कुछ नाम भी निकल कर सामने आए EOU की तरफ से जब जांच पड़ताल की गई तो कोई नाम सामने आया जिन लोगों को खरीदने की कोशिश की गई? क्योंकि कहा जा रहा है कि कई विधायकों के नाम शामिल थे, तो कौन कौन से विधायक थे, क्या ऐसी भी कोई जानकारी? देखिए जो जांच है, जांच में बातें आई है सामने, लेकिन DIG जो है वो चूंकि मामला भी जांच का अधीन है इसलिए बहुत कुछ ऑन द कैमरा वो नहीं बोलना चाहते हैं। जो ऑफ द कैमरा जो बातें हैं वो दर्शकों को बता रहे हैं कि कई विधायक हैं और खुद सुधांशु शेखर इस बात की जानकारी। वाकई अमित, ये पूरा ही मामला बहुत गंभीर है और इस पूरे मामले को लेकर EOU की तरफ से जांच पड़ताल और कार्रवाई लगातार जारी है। इस पूरी खबर पर आप भी नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, तेजस्वी यादव ने पटना में 5 देश रत्न मार्ग बंगला खाली कर दिया है और अब इस बंगले में डिप्टी CM सम्राट चौधरी रहेंगे। इस बंगले को खाली करने के बाद अब इसकी हालत को देखकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के सहयोगी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं डिप्टी CM के सहयोगी शत्रुघ्न की माने तो बंगले की हालत काफी खराब है। बंगले से सोफा सेट ले जाया गया, वहीं उन्होंने बंगले में लगी AC खोलने के साथ गमले भी ठेले पर लाद कर ले जाने का आरोप लगाया है। अभी तक देश रत्न रोड बंगले को लेकर भवन निर्माण विभाग की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है। थी सरकारी आवास खाली करने के बाद जो तेजस्वी यादव जी हैं उन्होंने सारी की सारी जो सरकारी संपत्तियां थी उसको ले जाने का काम किया है। तेजस्वी यादव की जो परवरिश हुई है, जो उनकी प्रवृत्ति है, जो उनकी सोच है राष्ट्रीय जनता दल की, वो इस प्रकार की है कि सरकारी संपत्ति को लूटना, उसी का मुजाहिरा तेजस्वी यादव जी ने किया है। देखिए यहाँ पर सब हम लोग पहले मोदी जी के साथ आए थे, मेन बिल्डिंग में 2 हाइड्रोलिक पलंग था और आप लोग सब थे, सारे मीडिया वाला के साथ प्रवेश किए थे, हाइड्रोलिक पलंग सभी लोग देखे थे, मीडिया पर भी चला था। वो दोनों पलंग गायब है, सोफा सेट जो है सारा गायब है, जाकर के देख लीजिए, वो कबाड़ी के यहाँ से ला करके रख दिए हैं, वो देखने का चीज है। और सोफा सेट सारा गायब है, देखिए स्पॉट वहाँ पर है, वो देखिए AC खत्म है, वो देखिए AC खत्म है, एक भी कुर्सी देख लीजिए नहीं है। बढ़ते आगे, राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सक्षमता पास बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने नियमावली जारी कर दी है, CM के हस्ताक्षर के बाद नियमावली जारी की गई और इस महीने से ऐप पर आवेदन लिए जाएंगे। सक्षमता पास शिक्षक और BPSC शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। गंभीर बीमारी, दिव्यांग पति पत्नी को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, महिला और उसके बाद पुरुष को मिलेगी प्राथमिकता। शिक्षकों के पास स्कूल में ही पोस्टिंग होगी। पटना सक्षमता पास शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ News18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, नियमावली जारी की जा चुकी है, क्या क्या नियम है CM के हस्ताक्षर के तहत, पूरी जानकारी दें। अब बिल्कुल देखिए, नियमावली का जो प्रारूप है शिक्षा मंत्री के टेबल तक पहुंच गया है और News18 को भी लगभग जानकारियां मिल गई है। ACS सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार दोनों अभी 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बिहार के तमाम जो सक्षमता पास शिक्षक हैं 1,87,000, इसके साथ साथ जो BPSC से बहाल टीचर हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अभी ऐलान करेंगे। जो पॉलिसी बनी है एक तरह से, उस पॉलिसी में क्या नया होगा और किस तरह से सहूलियत होगी, ये तमाम चीजों की जानकारी रहेगी। लेकिन जो जानकारियां मिल रही है, इसी महीने 20 अक्टूबर तक ये प्रोसेस चालू हो जाएगा, यानी जो नई नियमावली है एक तरह से जिसमें बदलाव किया गया है उसमें अब शिक्षक जो है इसी महीने से अप्लाई कर सकेंगे। इसको लेकर ऐप जो है वो तैयार किए जाएंगे और उस ऐप पर जो है आवेदन लिए जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो एक तरह से गंभीर रूप से यानी असाध्य बीमारी से जो ग्रसित टीचर हैं उनको आवेदन देना होगा, उसके बाद जो है जो दिव्यांग हैं उनके लिए होगा और उसके साथ साथ जो पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए सहूलियत होगी और उसके बाद महिला और फिर बुजुर्ग, ये मैं पुरुष, तो ये तमाम जो कैटेगरी है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
उसके बाद जो बाकी टीचर हैं उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की सहूलियत को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें ही बदलाव करते हुए ये नियमावली तैयार किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही शाम में फाइनल हस्ताक्षर कर दिया है पूरे रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, और उसके बाद जो है नियमावली आज जारी हो रही है। तो एक तरह से नियमावली जारी कर दी गई है क्योंकि हमारे पास जानकारी मिल गई है और 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी पूर्णतः मिल जाएगी। इसके साथ साथ बता दें आपको कि जो सक्षमता पास शिक्षक हैं वही विशिष्ट टीचर बनेंगे और जो बाकी अभी नियोजित टीचर हैं उन्हें अभी राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये भी जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि सक्षमता पास शिक्षक ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो ये विशिष्ट शिक्षक क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या कोई खास सुविधाएं इन्हें दी जाएगी? देखिए, मैं विशिष्ट शिक्षक जो है एक तरह से नियमावली तैयार की गई थी शिक्षा विभाग में और 4 साल पहले, और इसके बाद जो है जो राज्यकर्मी की मांग लगातार ये लोग कर रहे थे कि नियोजित टीचर को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो सरकार ने इसके लिए सक्षमता परीक्षा का एक तरह से ऐलान किया था। उसके आधार पर अगर सक्षमता पास करेंगे तो नियोजित जो है विशिष्ट बन जाएंगे। तो सक्षमता इन लोगों ने 5 महीने पहले पास कर ली थी, पोस्टिंग की बारी है, जैसे ही पोस्टिंग होगी उसी दिन से ये लोग राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, इसके साथ साथ विशिष्ट टीचर बन जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर एक कहेंगे बदलाव हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बीपीएससी से बहाल टीचर है उनका भी ट्रांसफर होगा, यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग दोनों पॉलिसी जो है बिहार सरकार अभी जारी की है, और इसमें अब तमाम जो नियोजित टीचर हैं जो सक्षमता पास किए हैं उन्हें लाभ मिलेगा और बीपीएससी से बहाल टीचर हैं उन्हें लाभ मिलेगा। खासकर जो लगभग 300-400 किलोमीटर दूर पोस्टेड थे वैसे टीचर लगातार परेशान थे, मैं पति कहीं और पोस्टेड थे, पत्नी कहीं और पोस्टेड थी, तो लगातार मांग की जा रही थी। कई नेताओं ने भी आवाज उठाया, सत्ता और विपक्ष वाले दोनों ने जो है लगातार पत्राचार किया, और आज फाइनली दुर्गा पूजा के मौके पर नवरात्रा के दौरान जो है शिक्षा विभाग ने आज राज्य भर के जो सक्षमता पास टीचर हैं बीपीएससी से बहाल टीचर हैं उनके लिए बड़ा तोहफा जो एक तरह से ऐलान कर दिया है। और जो खबर मिल रही है कि जो भी शिक्षक मनचाहा पोस्टिंग चाहेंगे एक तरह से उसी प्रकार से तैयार किया गया, यानी एक्ट का स्थानांतरण होगा, इसमें कहीं जबरन ट्रांसफर नहीं है और इसमें आसपास के स्कूल का ही मौका दिया जाएगा, यानी जो नजदीकी स्कूल होगा वहां पर सरकार की कोशिश होगी कि वहीं पर इनकी पोस्टिंग हो और वहीं पर इनका ट्रांसफर हो सके। तो अब सारी परेशानी को दूर करने के लिए कवायद तेज हो गई है और जैसे ही अब प्रारूप जो है शिक्षकों के हाथ में आएगा, आवेदन लेना शुरू होगा, तो निश्चित रूप से ये मील का पत्थर भी साबित होगा और शिक्षा विभाग एक तरह से फाइनली आज रिपोर्ट भी जारी कर देगी। और आप ये समझ लीजिए कि बिहार के तमाम जो नियोजित टीचर हैं उनका इंतजार भी अब खत्म हुआ है। जी वाकई रजनीश, ये बहुत ही अच्छी खबर है उन शिक्षकों के लिए जो इसका इंतजार कर रहे थे कि वो पास के स्कूलों में पढ़ा सके, उनकी परेशानियां थोड़ी कम हो सके, और शिक्षकों की तमाम सुविधाओं को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से इस नियमावली को तैयार किया गया है। देखने वाली बात होगी कि शिक्षकों के हित में ये जो फैसला लिया गया है इस पर शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। जो हम लोगों ने पूर्व में पदस्थापित किया था और जो सक्षमता पास हमारे शिक्षक हैं, समय समय पर बड़ी संख्या में लोग मुख्यालय आते थे और उन लोगों ने अपने आवेदन दिए और अपनी अपनी समस्याओं को विभाग को अवगत कराया, और इस सभी समस्याओं को हम लोगों ने समीक्षा की और उसी के आलोक में हम लोगों ने ये स्थानांतरण नीति बनाई है। स्थानांतरण नीति में हम लोगों ने सभी प्रकार जितने भी शिक्षकों के आवेदन थे, जितने भी शिक्षकों के सुझाव थे और जितने भी शिक्षकों के अनुरोध है, हमने सभी मान लिए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो तनाव से मुक्त जो अपने स्थानीय अपने गांव अपने घर से तनाव से मुक्त अपना शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दें, और इसीलिए यह नीति उसी अनुरूप बनाई गई। ऐच्छिक होगा ट्रांसफर ये? सर, सभी प्रकार के ट्रांसफर हम लोगों ने 10 ऑप्शंस दिए हैं, 10 ऑप्शन में उनको दिए जाना है और सभी को अपनी जो भी इच्छा होगी 10 के अनुसार हम लोग पोस्टिंग कर देंगे अगर वैकेंसी होगी, अगर नहीं वैकेंसी होगी तो उसी के निकट हम लोग जहां वैकेंसी आएगी वहां पर पोस्टिंग करेंगे। जो नियोजित शिक्षक नहीं चाहेंगे कि उनका ट्रांसफर हो तो क्या उनको भी ट्रांसफर के दायरे में लाया जाएगा? देखिए, नियोजित शिक्षक अभी क्योंकि वो स्थानीय निकाय से संबंधित है उनको हम अभी इस वक्त स्थानांतरण के दायरे में नहीं ला रहे हैं, केवल जो सक्षमता पास हैं जिनको अभी पोस्टिंग करना है केवल वही इस दायरे में आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।